नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। उज्जैन में एक बार फिर से शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पे एक युवक ने महिला को शराब पिलाकर रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जेल भेज दिया है। पीड़िता ने बताया कि आरोपी लोकेश कोयला फाटक करने के पास उसे मिला था और उसे शादी का झांसा देकर और शराब पिलाकर वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने किसी को बताने से जान से मारने की धमकी देने का भी ये धमकी देने लगा और फरार हो गया। आपको बता दें कि करीब एक साल पहले एक नाबालिग से उज्जैन में रेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। तब पीड़िता अर्धनग्न हालत में करीब 8 किलोमीटर तक मदद के लिए भटकती रही। उधर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कोयला फाटक में एक दुष्कर्म की घटना का एक वीडियो हमारे पास आया था। तत्काल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए जो पीड़ित महिला है उसके थाना लाया गया और उसकी शिकायत पर FIR दर्ज की गई है, जिसमें बताया गया कि एक युवक था जो कि कोयला फाटक कलारी के पास उसको मिला था, जिसने उसे शादी का प्रलोभन दिया कि हम तुम्हारे लिए जिंदगी भर अपने साथ रखेंगे और तुम हमारे साथ में रह लो और ऐसा करके, और संबंधित ने उसको मदिरा पिला दी और उसके नशे में उसके साथ में गलत काम किया और उसके बाद फिर उसको धमकी दे के और भाग गया। महिला की शिकायत हमारे तक आई, FIR दर्ज की गई और संबंधित आरोपी को गिरफ्तार करके और माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। चूंकि बहुत काफ़ी गंभीर घटना थी और पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए तत्काल FIR दर्ज की और तुरंत ही FIR के आधे घंटे में ही आरोपी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया है। अभी BNS धारा 64 और 353 में FIR दर्ज की गई है। ललित जैन ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। ललित, सुरक्षा को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष बेशक हमलावर है, लेकिन ये मामला कोई उज्जैन का नहीं है, प्रदेश के और देश के अलग अलग जगहों से ऐसे कई मामले सामने आते हैं और उसके बाद से देश में उबाल, आक्रोश, प्रदेश में भी गुस्सा देखने को मिलता है। कानून सख्त है, इसके बावजूद ऐसे मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जी, उज्जैन में जो घटना हुई है इसको लेके काफी आक्रोश भी है यहाँ पर, और अब इसमें एक नई बात ये सामने आई है कि पुलिस जो है जिसने वीडियो बनाया था उसको भी तलाश रही है। ललित, ये कब की घटना है, अभी तक क्या डेवलपमेंट्स है, जरा पूरी जानकारी विस्तार से बताइए। जी, ये घटना बुधवार को करीब दिन के दोपहर दो बजे की है और ये घटना कुछ समय हुई मेन चौराहे पर, जो व्यस्त चौराहा है, फुटपाथ पर हुई है घटना। ये आरोपी वहीं का रहने वाला है, उसी क्षेत्र का, वो महिला कचरा बीनती और भिक्षावृत्ति भी करती है। उसको इसने शराब पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया है और चौराहे पर करा है। सबसे बड़ी बात यह कि जब ये घटना हुई थी किसी ने उसका वीडियो बनाया और वायरल करा, जिससे पुलिस को इस घटना का पता चला और पुलिस ने इस मामले में फिर महिला को बुलाकर केस दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ललित, आरोपी का क्या बैकग्राउंड है? जी, वो फेरी वाला है, जो सब्जी और ये जो कपड़े वपड़े है फेरी लगा के बेचते हैं, वो इस तरीके का, उसका कोई ऐसा आपराधिक बैकग्राउंड तो नहीं है, पर शराब के नशे में संभवतः उसने वारदात करी है। और जिस अब पुलिस इस मामले में नई बात यह है कि उसको ढूंढ रही है जिसने वीडियो बनाया, क्योंकि पुलिस उसको भी आरोपी बनाएगी अब। जी, तो पुलिस अब इस केस को कैसे आगे इन्वेस्टिगेट कर रही है? क्योंकि मामला काफी तूल पकड़ गया है, इसलिए पुलिस भी इस मामले में गंभीरता से जांच कर रही है। पुलिस ने सबसे पहले तो आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करके कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। अब इस मामले में जिसने वीडियो बनाया है वही एक चश्मदीद गवाह है, तो पुलिस उसको पकड़ेगी, उसको ढूंढ रही है और उसके ऊपर भी केस दर्ज करेगी और उसी से गवाही भी करवाएगी, क्योंकि वही गवाह भी है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जिस तरीके से कोलकाता के मामले के बाद पूरे देश में उबाल है और कल ही हमने देखा कि कैसे नर्मदापुरम वाले मामले में सोहागपुर कोर्ट ने कुछ साल पहले की घटना में आरोपी को जो है मौत की सजा तक सुनाई है, तो ऐसे एक के बाद एक अनेक नज़ीर पेश किए जा रहे हैं। कानून व्यवस्था की तरफ से कानून व्यवस्था को सख्त किया जा रहा है, चुस्त और दुरुस्त किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये मामले बढ़ते जा रहे हैं, आखिर क्या वजह आपको समझ आती है? जी, इसकी वजह एक तो ये भी है कि जो कानून बड़े सख्त कहा जाता है लेकिन तुरंत सजा नहीं हो पाती है। एक तो आरोपी को पकड़ के ये मामले ऐसे होते हैं कि इसमें गवाह नहीं मिलते हैं,
सबूत नहीं मिलते और जो भौतिक साक्ष्य रहते हैं साइंटिफिक एविडेंस वो भी इस तरीके से कलेक्टर नहीं किए जाते कि जिस तरह की सजा हो जाए, और सजा होती भी है तो काफी देरी से होती है जिसके कारण बदमाशों को हौसले बुलंद होते हैं और वो इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं। ललित, तो क्योंकि देखिए इस पूरे मामले में विपक्ष भी हमलावर है और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, अब क्या स्ट्रैटेजी विपक्ष की रहने वाली है? विपक्ष ने चूंकि जैसा कि कल जीतू पटवारी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने पोस्ट किया था टेक्स में और अन्य लोगों ने पोस्ट करा था कि इसको लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करी है, आरोप लगाए पुलिस के ऊपर भी आरोप लगाए कि कोई पुलिस की मौजूदगी में इस तरीके की घटना हो रही है, इश्यू को लेकर अब जो आंदोलन होने वाला है संभवतः उसमें भी इस मुद्दे को उठाएगी 11 तारीख को कांग्रेस। ठीक है, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया।